इट्स फ्राइडे एंड टाइम फॉर फेसबुक लाइव। आज हम लोग बात करेंगे, क्या आप वो पेरेंट्स हो जिसने कभी ना कभी अपने बच्चों को गुस्सा करते हुए देखा हुआ है, अपने बच्चों को चिल्लाते हुए देखा हुआ है, अपने बच्चों को पब्लिक में शाउट करते हुए देखा है, किसी के ऊपर डांटते हुए देखा है। और हमारे दिल में फर्स्ट थॉट आता है, मेरे बच्चों को तो ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मेरे बच्चों को गुस्सा आता है ना तभी कुछ नहीं देखता है। क्या आपके दिमाग में थॉट आया है और इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे एज अ पेरेंट हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसे होना चाहिए जब भी हम लोग को लगता है कि मेरा बच्चा गुस्सा बहुत जल्दी एक्सप्रेस करता है और उसको मैनेज नहीं कर सकता है। चलिए टिप्स शुरू करते हैं। टिप नंबर वन, एज अ पेरेंट्स पहले खुद खुद के अंदर झांक के देखो। चाहे मेरे को भी गुस्सा आता है लेकिन हम लोग थोड़ी ना पब्लिक में गुस्सा करते हैं। ये हम लोग थोड़ी ना पब्लिक में गुस्सा करने वाली बात नहीं है। अगर आपके बच्चे को ये पता चलता है कि पेरेंट्स के दिल में अगर कोई बात चल रहा है और उनके दिल के अगेंस्ट कोई चीज हुआ तो वो गुस्सा करता है, तो अगर मेरे दिल के अगेंस्ट कोई चीज हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे गुस्सा करना चाहिए। घर में अगर किसी को कोई चीज नहीं पता, कोई चीज अलग हुआ, तो वो बंदा क्या करता है, वो दूसरे के ऊपर जोर जोर से चिल्लाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी यही करना चाहिए। अगर कोई चीज मेरे अगेंस्ट हुआ, मेरे को नहीं पट रहा ऐसा हुआ, तो मुझे जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। तो बच्चा बेसिकली घर में जो देखता है वही करता है और एग्जैक्टली बच्चा वही करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं पॉइंट नंबर टू पे। बच्चा हो जाता है ना बीत में कई सालों से, भी वो मेरा नेचर है, उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हो गया आपके हाथ से या आपके बिहेवियर में, तो उसके एंड में क्या आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो? क्या आप बच्चे से जाके बात करते हो, हाँ यार आई थिंक आज मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं कर लिया, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, आपको कुछ नया आइडिया सूझता है क्या, इसे ऐसा अगर कभी लगे तो हम लोग को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए? हमारे बच्चे हम लोग से बहुत स्मार्ट होता है, प्रॉब्ली दे विल बी एबल टू कम अप विद फ्यू ऑप्शंस। इट्स ओके ना मम्मा, कोई बात नहीं, निकल गया तो निकल गया, मम्मा आप नेक्स्ट टाइम एक गिलास पानी पी के ट्राई करो। आप बच्चे को पूछ सकते हो, मैं अगर मुंह धो के आऊँ तो मेरा गुस्सा थोड़ा कम होगा क्या? पूछ के देखो, इसका फायदा क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बच्चा थोड़ा अलग वे में बिहेव करेगा तो बच्चा उसके एंड में बैठ के इंट्रोस्पेक्ट भी करेगा और बच्चा कभी कभी ये भी सोचेगा क्या कोई और तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का, एंड दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। पॉइंट नंबर थ्री, जब भी आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है, पब्लिकली रिएक्ट कर रहा है, पब्लिकली चिल्ला रहा है, वो समय नहीं है बच्चे को करेक्ट करने का कभी भी। एट द पॉइंट ऑफ मिस्टेक नेवर करेक्ट द चाइल्ड। ये आप उसको रोक सकते हो, अगर कुछ हार्म हो रहा है उसको खुद को या किसी और को तो रोक सकते हो वहां पे, बट करेक्शन, करेक्शन वाला लेक्चर, पब्लिक में बोलना मैंने तो पहले से ही बोला हुआ था, या पब्लिकली उसको बोला मैंने तो समझाया था तुझे, नो दैट्स नॉट द मोमेंट। बच्चा अभी इमोशंस के फ्लो में है, अभी आप कुछ भी बोलोगे तो उसका मतलब बच्चे को नहीं समझने वाला। तो उस समय सबसे बेस्ट चीज जो करना चाहिए कि बच्चे को हग करो, पास में लो और बच्चे को बताओ इट्स ओके बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग एंग्री एंड अपसेट, इट्स ओके, इट्स ओके, लेट्स फाइंड आउट सम बेटर वे, इट्स ओके बच्चा। सो बच्चे को जो भी फीलिंग्स फील हो रही है उसके साथ बच्चे को एक्सेप्ट करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन मोमेंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, दिन के एंड में बच्चे से बात करो। डायरेक्ट करेक्शन मोड में जाने से बेटर है कि आप बच्चे को अप्रिशिएट करो जो बच्चे में बहुत अच्छी है। जैसे बच्चा बहुत अच्छे टीम प्लेयर हो, आप बहुत अच्छे से लोगों को समझ में ले, समझ के लेते हो, आप बहुत अच्छे से मम्मा पापा को भी समझ में ले, समझ के लेते हो, और आपका बेसिक बिहेवियर ही वैसा है, बट आज आपने जो बिहेव किया ना वो थोड़ा सा अलग था, कि आपको कुछ अलग फील हो रहा था या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप बिहेव करना, जैसे कभी कभी मम्मा को भी होता है ना, समझ में नहीं आता कि आप बिहेव करना, आपके साथ आज वैसा हुआ क्या? Then it will become a very healthy discussion between parents and kids, जो आप लोग 100% कर सकते। Last but not the least, हम लोग को ये accept करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि emotions are like energy, आप energy को मार नहीं सकते, सिर्फ energy का form change कर सकते। आप emotions को अगर दबाओगे, अभी गुस्सा मत कर बोला ना आँखें बड़ी करके, तो अभी बच्चा गुस्सा दबाएगा बट बाद में वो बहुत गंदा face लेके बाहर निकलेगा। So, किसी भी चीज को मारो मत या दबाओ मत, बस उसका फॉर्म चेंज कर दो। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं कि
बच्चे को ये चीज समझाना कि इट्स ओके टू बिहेव लाइक दिस, इट्स ओके टू फील लाइक दिस, बट जब भी बिहेवियर की बात आती है, जैसे हम लोग इट्स ओके टू बिहेव लाइक दिस, आज आपने ऐसा बिहेव किया इट्स ओके हो गया, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम लोग को याद रखना है कि किसी भी इमोशंस में हम लोग को कुछ भी ऐसा फील बिहेव एक्शन कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे किसी और को तकलीफ हो या हमको तकलीफ हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और फिर हम लोग को सारे तरीके ढूंढना है जिससे हम लोग इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपका बच्चा भी आपके साथ बैठ के सोचेगा कि एग्जैक्टली ऐसे कौन से तरीके हैं, बट बच्चे को ये बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई सारे बच्चे खुद का सिर पटकते हैं, किसी को मारते हैं, दादा दादी के ऊपर हाथ उठाते हैं। इनफैक्ट जस्ट 15 मिनट पहले आई हैड अ कंसल्टेशन जहाँ पर मुझे मदर ने बोला कि बच्चा एक शेल में जाके रुक जाता है, ना खुद को हार्म करना है ना दूसरों को, किसी भी इमोशंस का सोल्यूशन नहीं हो सकता। सो जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग्स अपने बच्चे के साथ, बट याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा कर रहा है तो ये सारे टिप्स अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो ये हुए सोल्यूशंस। अब आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आइडिया, इन्फॉर्म एंड परफॉर्म। बच्चे को पहले से इन्फॉर्म करो अगर आप बच्चे को कहीं पे लेके जा रहे हो, एंड देन परफॉर्म एन एक्शन ताकि बच्चा प्रिपेयर रहे वहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए। एंड नैप चैट, यूट्यूब पे जरूर वीडियो देखना, NAPCHAAT नैप चैट माई गुजा, ये वीडियो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि बच्चा सोते वक्त बच्चे का सबकॉन्शियस ट्रेनिंग कैसे करना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर फेसबुक लाइव देखने के लिए। अगर आपको हमसे नए नए छोटे छोटे वीडियोस, बड़े बड़े वीडियोस, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने हैं तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हम लोग वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नए चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको हमसे ट्रेन होना है प्री प्रेगनेंसी स्टेज, प्रेगनेंसी स्टेज, आपका थर्ड ट्राइमेस्टर, ब्रेस्ट फीडिंग, न्यू मदर्स केयर, फिर आप लोगों का बेबी डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी फिटनेस, कोर स्ट्रेंथनिंग, पोस्ट डिलीवरी फिटनेस, वेट लॉस, कस्टमाइज डाइट प्लान, गेट इन टच विद अस ऑन www.maidvijay.com। माधुजा टीम का एक ही मोटो है, अ हेल्दी हैप्पी एक्टिव मदर एंड विद प्रॉपर नॉलेज, वो हमेशा बहुत कॉन्फिडेंटली बच्चों को बड़ा कर पाती है। कभी भी खुद के पेरेंटिंग पे डाउट मत लेना, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए, एज अ पेरेंट हमारा बिलीफ यही रहना चाहिए कि हमारा बच्चा लाइफ में कुछ कमाल का करेगा, विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ चाइल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ जो वो आज बिहेव कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोचना इसके बारे में। और आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पक्का कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।